ये मिश्र की ममी है और ये है ब्लू व्हेल का कंकाल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग जो आपको आगे मिलने वाली है, तो वीडियो प्लीज कंप्लीट देखिएगा। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लिखराज वीडियो। और अभी हम आए हैं बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, जिसका काफी अच्छा नाम सुना है हमने, नेट पर भी सर्च किया है, रिव्यू करके आए हैं हुए हैं। और इसकी टाइमिंग आपको बता दें 10:30 to 5 PM इसकी टाइमिंग है। और टिकट है 10 rupees पर पर्सन, 4 years तक के बच्चों का चार्ज नहीं है। और कैमरा का चार्ज है 100 rupees और वीडियोग्राफी का चार्ज है 500 rupees। और यहाँ पे पास मिलता है, दिखाओ जरा पास दिखाओ। हमने हमने भी पास लिया हुआ है इसका। तो गाइज अब लेट्स सी, देखते हैं बड़ौदा आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आपको दिख रहा होगा बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, यहाँ पे भी बना हुआ है बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी। और ये पूरा अंदर है, जाके देखते हैं, लेट्स गो। तो चलिए आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं बड़ौदा संग्रहालय और आर्ट गैलरी के बारे में। वडोदरा में बड़ौदा संग्रहालय और आर्ट गैलरी की स्थापना 1887 में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने की थी। इस संग्रहालय की इमारत का निर्माण वर्ष 1894 में पूरा किया गया था। हालांकि आर्ट गैलरी का निर्माण 1908 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य 1914 में समाप्त हुआ था, लेकिन इस गैलरी को 1921 तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप से टुकड़ों के हस्तांतरण में देरी हुई थी। 1894 में निर्मित बड़ौदा संग्रहालय और आर्ट गैलरी को लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट और विज्ञान संग्रहालय के वास्तुशिल्प पैटर्न पर बनाया गया है। इस संग्रहालय को मेजर मांट ने आरएफ चिलोसम के सहयोग से डिजाइन किया था। यह माना जाता है कि आरएफ चिलोसम ने प्रमाणिक इंडो सरसैनिक वास्तुकला बनाने के लिए मांट के कुछ बेहतरीन कार्यों को परिष्कृत किया। संग्रहालय दो भागों में विभाजित है। पहली इमारत एक संग्रहालय है, दूसरी एक फोटो गैलरी है और दोनों मार्ग से जुड़े हुए हैं। प्रदर्शन पर संग्रहालय में जापान, चीन, नेपाल जैसे विदेशी देशों के अन्य देशों के प्राचीन वस्तुएं हैं। प्राचीन वस्तुओं के अलावा संग्रहालय में कोई भी मुगल लघु चित्रों, मूल चित्रों, उत्कृष्ट कृतियों और मूर्तियों का संग्रह देख सकता है। कई टूरिस्ट को आकर्षित करने वाला एक मिश्र का ममी है। इसके अलावा एक जूलॉजिकल सेक्शन है जिसमें एक ब्लू व्हेल कंकाल है जो 22 मीटर लंबा है। फोटो गैलरी और प्रदर्शनी कक्ष के अलावा संग्रहालय में एक पुस्तकालय है जो गुजरात में बसे विभिन्न शासकों के बारे में परिभाषित करने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का संग्रह है। भारत के गुजरात शहर के शासक सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने 1895 में न्यूयॉर्क के एक संग्रहालय से इस ममी को खरीदा, जिसे अब बड़ौदा ममी के रूप में जाना जाता है। इसे बड़ौदा संग्रहालय के प्राचीन खंड और शहर में पिक्चर गैलरी में रखा गया है। लिनन रैपिंग अभी भी बरकरार है और ममी काफी भारी है, जो इंगित करता है कि इसकी आंतरिक पेट की पैडिंग काफी घनी है। इससे यह पता चलता है कि वह अपने समय के बीच में थी। एक्सरे पुनर्निर्माण का अनुमान है कि मृत्यु से पहले उसकी आयु लगभग 20 वर्ष होगी। दोस्तों, मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी पर इतना डिटेल वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाया है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ऐसे डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। और अब बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी के कम्प्लीट टूर के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अभी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना बाकी हैं, जैसे कि 22 मीटर लंबा ब्लू व्हेल का कंकाल, बहुत बड़ा हाथी दांत, पुराने स्कल्पचर, राजा महाराजाओं की पोशाकें एवं बर्तन, युद्ध सामग्री जो वो युद्ध में यूज़ करते थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और भी बहुत कुछ देखना बाकी है।
बायोलॉजी लैब में रखे रहते हैं। डिगरा चील ये बेटा कबूतर है, ये बेटा पता नहीं पापा को नाम नहीं लिखा, तीतर भी है, ये गरिया है, ये बेटा कुछ ये कब पक्षी है पापा को मालूम नहीं है, ये तो कैसे बांस के पेड़ पे पक्षी हुआ निकला हुआ है। किसका नाम, किसका नाम है, इसका नाम है लोह सारंग, इसका नाम लिखा नहीं है बेटा, नहीं तो आप पढ़ के बता देते इसका। और ये सुखा फ्लेमिंगो ये क्या है बताओ, बाघ टाइगर, ये कोई नर नहीं है, हां हां कंगारू, कंगारू हां मंकी। लिख दिया लायन लाइनेस और उसका बेबी, और उसके मम्मी के साथ डॉगी है, और बेटा बेटी भी हो सकती है। जो राजा महाराजा होते थे ना, इतने बड़े बड़े बर्तनों में पानी पिया करते थे। ये उनके सारे बर्तन हैं, ये बड़े हैं, ये टोपी पहनते थे, इसकी बड़ी बड़ी कैप पहनते थे, आपको छोटी सी। ये उनके कपड़े हैं, कैसे कपड़े हैं, गंदे। ये भी सब क्या, ये भी उनके सामान है, ये भी उनके कुछ कवच है, लड़ाई करने के सामान है, ड्रेस ऑर्नामेंट, ये टोले डायनासोर है ये, आ जाओ दूसरे को, दूसरे को टच नहीं, डोंट टच, डोंट टच एनीथिंग। एलिफेंट टीथ है ये पूरा,
सब जंगल में सारे जानवर प्यार से जा रहे हैं, कितने प्यारे हाथी जा रहे हैं। गाइज ये था हमारा वीडियो बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी पर। बहुत बड़ा म्यूजियम है, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब थकाने वाला म्यूजियम है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑसम है, मज़ेदार है। इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन है, हमने दूसरी कहीं से म्यूजियम में नहीं देखी। तो बड़ौदा में आप आएँ तो इस म्यूजियम को जरूर आएँ। सयाजी बाग के अंदर ही है ये म्यूजियम। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी इस म्यूजियम में आए हैं तो हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, हमें तो बहुत जोरदार मजेदार लगा। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।